क्या बतला दिया गया है? बतलाया है कि ये जो मन है यही क्या है, इस जीव के बंधन और मोक्ष का हेतु। तो जिस प्रकार से दृष्टांत दिया है, मेघ बादल वायु से ही आते हैं और वायु से ही जाते हैं, इसी प्रकार से ये बंधन भी अपनी आत्मा में, आत्मा रूप गगन में, जैसे आकाश में क्या, आकाश में बादल आते जाते हैं, इसी प्रकार से चिदाकाश रूप जो अपना आत्मा, आत्मा रूप गगन है, तो उसमें ये जो बंधन है और मुक्ति है, बंधन रूप बादल का आना और उन बादलों का चले जाना, तो ये किसके द्वारा है? मन के द्वारा है। किसके द्वारा है? मन के। मन और इसकी फिर बतलाया भी है कैसे। पहले तो ये मन देहादि जो दृश्य विषय है इनमें क्या करता है, राग करता है, और ये जो राग कर लेना है यही क्या है, जैसे पशु बंध जाता है रस्सी के द्वारा, इसी प्रकार से ये क्या है, पुरुष, ये पुरुष भी पूर्ण भी बंधन को प्राप्त हो जाता है। और सत्संग, सत्कर्म, विवेक, विचार जब करता है तो तब क्या होता है, विषवत्सु अत्र वैरस्यम विधाय, फिर क्या अनुभव करता है, जब ये मन अप्रबुद्ध होता है तो क्या करता है, विषयों में राग करता है, और जब ये प्रबुद्ध हो जाता है, विचारवान हो जाता है, तब क्या जानता है, इन विष के सदृश विषयों में विरसता का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, कि ये रस नहीं है इसमें, और बड़ा ही सड़ांध दुर्गंध युक्त इसमें रस है, बिल्कुल खट्टा है, बिल्कुल मलिन है, ऐसा अनुभव जब करता है तो तब ये जो मन है, ये मन ही क्या करता है, एनम बंधात विमोचयति, इस पुरुष को बंधन से मुक्ति का हेतु बन जाता है, यही बंधन का हेतु बन जाता है राग करके, और यही मुक्ति का हेतु बन जाता है संपूर्ण दृश्य पदार्थों में राग का परित्याग। तो यही बुद्धिमानी है, यही बलवत्ता है, यही श्रेष्ठता है, यही क्या है, यही शक्ति है, यही सामर्थ्य है, क्या, येन केन प्रकारेण, ये जो दृश्य विषय है इनकी जो आसक्ति राग है वो छूट जाए, स्वाभाविक रूप से विचार करने से क्या हो जाए, राग गलित हो जाए, और फिर ये दृश्य विषय मिथ्या हो जाए, तो ये मुक्त ही, ये क्या है, मुक्ति है। तो ये बात कल बता दी गई है। अब 176वां श्लोक देखिए, जो बात समझाई है वो तो निर्णीत अर्थ बतला, तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तो बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने, बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः
शशुद्धं विरजस्तमस्कं तस्मात् मनः कारणम् अस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतुः मलिनम् रजोगुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजः विरजस्तमस्कम् तस्मात् माने इसलिए, समझ आया? इसलिए किस लिए? इसलिए कि ये मन ही दृश्य पदार्थ में राग करके इस पुरुष में बंधन को अनुभव करा देता है, और ये मन ही इन जागतिक जो विषय है इनमें विरसता का अनुभव करके क्या हो जाता है? मोक्ष का अनुभव करा देता है, मुक्त हो गया जी। पहले बंधा हुआ था, अब क्या हो गया? मुक्त। तो ये कौन करा देता है? मन ही करा देता है। क्या करा देता है? मन ही करा देता है। विषयों में राग से इस चित्त के द्वारा कितनी दुर्गति को प्राप्त होता है? क्या कितनी दुर्गति होती है? वे लोग भी उसमें आएगा ना, योग वशिष्ठ, कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महात्मा लोग वंदनीय पूजनीय हैं कि जिन्होंने जगत के समस्त पद पदार्थ विषयों की आसक्ति का परित्याग कर दिया। ऐसे जो महात्मा लोग हैं वो क्या है? वंदनीय, पूजा के योग्य, श्रेष्ठ, क्योंकि यही बंधन है। बंधन क्या है? यही संसार। तो पीछे जो राग है अनात्मा में अहम मम रूप से, ये बंधन है, और अनात्मा में से ममता और अहमता निकल गई तो यही मुक्ति है। और बंधन मुक्ति क्या है? बताया ना, क्या अनात्मा में मम और अहम, ये क्या है? मेरा, मैं और मेरा, अनात्मा शरीर आदि में करना, ये बंधन है। और मैं और मेरा अनात्मा में परित्याग कर देना, यही क्या है? मोक्ष। मुक्त ही है, केवल बंधा है अनात्मा में अहमता ममता कर। क्या? अनात्मा में मैं और मेरा करके ही तो बंधन है, और बंधन कुछ नहीं। मुक्त ही है, सदा ही मुक्त है। सदा ही क्या है? सदा ही मुक्त है, तुझ में बंधन है ही नहीं। तो इसलिए, तस्मात्, इसलिए मनः अस्य जन्तोः बन्धस्य कारणम्। ये जो मन है, ये मन ही इस जीव के बंधन का क्या है? कारण। इस जीव के बंधन का कारण ये मन है। मोक्षस्य च वा विधाने, और मोक्ष का भी जो विधान है, बंधन का विधान और मोक्ष का विधान, इस जीव के बंधन के विधान में और मोक्ष के विधान में कौन कारण है? ये मन ही कारण। ये क्या है? मन ही कारण। इसीलिए बारंबार कहा जाता है कि अपने मन को, चित्त को संस्कृत करो। क्या करो? निर्मल करो, विशुद्ध करो, मलिनता का, राग द्वेष का,
जो इसमें आसक्ति है, काम क्रोध आदि है, इनका क्या करो? जैसे ज्यो ज्यो चित्त रूपी दर्पण क्या होगा? साफ होगा, निर्मल होगा, त्यों त्यों अपनी आत्मा का जो बिंब है वो प्रकाशित हो उठे, क्या होगा? प्रकाशित। इसीलिए बतला रहे हैं कि यही इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में कारण है। पुनः पुनः कह रहे एक बात, क्यों कह रहे हैं कि इतना बलिष्ठ है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वाभाविक रूप से जीवों के मन का बहिर्मुख विषयों में ही राग बना रहता है। क्या होता है? बाह्य जो विषय है इनमें ही क्या क्या बना रहता है? प्रीति बनी रहती है, सुख बुद्धि बनी रहती है। इसी कारण से पुनः पुनः भिन्न भिन्न तरीके से बतला रहे हैं कि ये जो मन है इसको ही क्या कर लो, प्रथम यानी वश में कर लो। अब जब तक इसकी शक्ति तो जहाँ से इसके जैसे पंखे को हम पकड़ लें, बटन बंद ना करें तो क्या होगा? रुक तो जरूर गया है, लेकिन कब तक रुका हुआ है? जब तक पकड़ा हुआ है तब तक रुका हुआ है, छोड़ते ही तो यही काम करते हैं ना। यानी क्या कर रहे हैं? क्या ध्यान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, तो जैसे तैसे करके इसको पकड़ लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, किसी न किसी आलंबन में स्थिर कर देते हैं, तो इस तरह पकड़ते रहते हैं। लेकिन पकड़ में आएगा, कनेक्शन काटना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन काटना पड़ेगा। और कनेक्शन काटना क्या है? कि पहले इसकी जो मलिनता भरी हुई है इसमें, जिससे ये घूमता है, जिससे ये शक्ति पाता है। पीछे बताया था ना कि वासना रूपी ईंधन में प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? जो आपके चित्त में अनंत काल से विषयों के जो राग, जो इच्छा, जो सुख बुद्धि, जो प्रीति है, उनमें ही क्या होता है? ये मन रूपी अग्नि प्रकट हो। था ना पीछे मनोमयाग्निर प्रदहेत प्रपंचम, ऐसे करके वैसे। इसलिए मन ही कारण है जी बंधन और मोक्ष के विधान में। बंधस्य हेतु आगे बता दिया स्पष्ट, बंधस्य हेतु मलिनम रजोगुण ही, रजोगुण के द्वारा जिसका मन मलिनता को प्राप्त हो गया, जिसका मन रजोगुण तमोगुण के द्वारा, रजोगुण उपलक्षित है किसका? तमोगुण का। इसका उपलक्षण है तमोगुण, तमोगुण का, तो वो तमोगुण को भी ग्रहण करेंगे। तो रजोगुण तमोगुण के द्वारा जिसका मन क्या हो गया है? मलिन हो गया। तो ये जो मलिन मन है यही क्या है? बंधस्य हेतु, बंधन का हेतु है ये जो मलिन मन है। रजोगुण जहाँ पर स्वाद, जहाँ पर आसक्ति हो, जहाँ पर विषय भोग की क्या हो, इच्छा हो, ये सब रजोगुण के। और तमोगुण, तमोगुण तो बिल्कुल क्या है? दो बताए थे ना, एक विषयी और एक पामर, चार प्रकार के पुरुष बतलाए। हाँ जी सेठ जी, कौन कौन से बतलाए? ये महाराज इतना काम हम करते हैं, कुछ काम तो आप भी कर लिया करो, है ये याद वाद आप ही रख लिया करो, बाकी काम हम भी कर लेंगे। तो यार पामर का यार हाँ? बतलाए है ना, ज्ञानी, जिज्ञासु, विषयी और पामर, इतने प्रकार के हुए।
चार प्रकार के पुरुष होंगे। तो ज्ञानी तो ब्रह्म रूप ही, जिज्ञासु जो साधन संपन्न है, विवेक वैराग्य आदि संपन्न होकर के परमात्म तत्व के चिंतन और अनुभूति में लगा हुआ है जिज्ञासु। और विषयी और पामर, विषयी क्या है, वो विषयों का सेवन तो करता है, विषयों में सुख बुद्धि है, लेकिन उन विषयों को भी जो न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक सामाजिक और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार सेवन करता है उसको विषयी कहते हैं। विषयों का सेवन करता है, विषयों में सुख बुद्धि प्रीति है, लेकिन उनको भी शास्त्रीय सामाजिक जो मर्यादा है उसके अनुसार सेवन करता है वो तो विषयी। और पामर, पामर को कोई मतलब नहीं, उसको विषय सेवन करने से मतलब है झूठ कपट न्याय अन्याय मर्यादाओं का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार की कोई मर्यादा, किसी प्रकार का कोई अनुशासन, न्याय अन्याय पाप पुण्य आदि का कोई विचार नहीं। विषय विचार करता है कि भाई विषय जरूर सेवन करने लेकिन पाप ना हो, धन कमाना तो है लेकिन पाप ना हो, सावधान रहता है। और पामर को इन किसी बातों से कोई संबंध नहीं है, धन एकत्रित करना है चाहे ऐसी पामर है। तो अब जो है, हाँ तमोगुणी तो दोनों ही है लेकिन एक अत्यंत तमोगुणी, तमोगुणी तो दोनों ही हुए जो भी विषयों में जिसका चित्त लगा हुआ है। तो ये जो पामर है, अब संसार में इनकी जनसंख्या अधिक मिली ज्ञानियों की या जिज्ञासुओं की या विषयी पुरुषों की या पामर की, पामर ही अधिक मिले है ना। कोई विचार नहीं करना पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का है, किसी के सुविधा असुविधा का कोई विचार नहीं करना, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए जैसे भी होवे, उसके लिए झूठ बोले कपट करे राग करे द्वेष करे जैसे भी हो, हमारा क्या होना चाहिए, स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए। ये दृष्टि किसकी है, पामर की, पशु ही है, राक्षस है, असुर श्रेणी में है ना। हाँ तो ये जो मलिनता आई है कहाँ से आई है, रजोगुण तमोगुण से, चित्त में, स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से तो आपका जो अंतःकरण है ये भी अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व गुण का कार्य है। क्या है, सत्व गुण का कार्य है अंतःकरण भी, आपका मन भी, लेकिन ये मलिनता आ गई है रजोगुण तमोगुण के द्वारा। तो आप ये देखिए कि आप देखो क्रोध करना या चोरी करना या झूठ बोलना या कपट करना या द्वेष करना या ईर्ष्या करना, इसमें आपका चित्त थकावट का अनुभव करता है, नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है वो। जैसे अब जैसे यूं रहे आप रहे तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, ऐसे आपको हाथ रखना पड़ जाए तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि वो स्वभाव नहीं, हाथियों लटके रहे वो स्वभाव है, और हाथियों उठा कर रखना पड़े तो वो प्रयत्न साध्य है। तो वैसे ही आपके मन का ये स्वभाव नहीं है, इसलिए थकता है, लेकिन प्रसन्न रहना हो, हिंसा न करनी हो, सत्य बोलना हो, सदाचरण करना हो, तो इनके इनमें आपका चित्त थकावट का नहीं बल्कि और प्रसन्नता का अनुभव करता है, तरोताजा अनुभव करता है ना, क्यों, क्योंकि स्वभाव उसका भी। लेकिन स्वभाव भी क्या होते हैं, ये हमने जो स्वभाव बतलाया है
ये सात्विक और राजसिक व्यक्ति का बतलाया। तामसिक को तो आतंकवादी को पूछा जाए, हाँ भाई आज क्यों उदास हो, तो वो कहेगा जी बस एक ही आदमी को मार पाया, 10 लोगों को मारने गया था, तो वो आज इसलिए। इतना तमोगुण चित्त पर छाया हुआ है कि उनको 10 लोगों को मार करके क्या होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता का पार्टी, और इसलिए उदास है कि आज एक को ही मार, इतना मलिन उसका स्वभाव, इतना मलिन स्वभाव, बड़े बड़े विचित्र बात। हाँ, तो भिन्न भिन्न तरह के लोग संसार में निवास करते, तो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ये आपका चित्त मलिनता को प्राप्त होकर बंधस्य हेतुर्भवती, बंधन में हेतु बनता है, कारण बनता है मलिन चित्त। और विरजस्तमसकम शुद्धम मोक्षस्य हेतुर्भवति, और रज और तम से रहित जो शुद्ध है मन, ऐसा मन मोक्षस्य हेतु भवति। क्या होता है मोक्ष में हेतु, मोक्ष में कारण, रजोगुण और तमोगुण से रहित हो गया चित्त। कैसे होएगा, सात्विक कर्म, सात्विक विचार, सत्संगति, सदग्रंथों का ही अनुशीलन, सात्विक आहार, इनके द्वारा क्या हो जाएगा आपका चित्त, हाँ जो डालोगे वही तो निकलेगा। अब आपने डाला है तिल का तेल मशीन में, तिल डाले हैं, तेल किसका निकलेगा, तिल का ही निकलेगा। और यदि डाला है आपने सरसों, तो तेल किसका निकलेगा, सरसों का ही निकलेगा। तो वैसे ही आपने क्या आहार दिया है अपने चित्त को, जो कुछ आप खाते पीते देखते सुनते हैं, सबके सब आहार किसके पास आते हैं, जैसे जो आप खाते हो वो आपके पेट में जाता है। दूध पियो, दही पियो, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, मिठाई खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सब कहाँ इकट्ठा होगा, पेट में। वैसे ही आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो जो आहार ग्रहण करते हो वो सारा का सारा कहाँ जाता है, चित्त में, आपके मन में जाता है। कहाँ जाता है, मन में जाता है। तो आपने जो दृश्य देखा यदि सात्विक, तो आहार आपने अपने चित्त को क्या दिया, सात्विक आहार दिया। आपने दृश्य देखा मलिन है, तो आपने अपने चित्त को क्या आहार दिया है, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आप निरंतर आहार देते रहते हो, शब्द हैं, अश्लील शब्द, रजोगुणी तमोगुणी हैं, आसुरी भाव वाले संगीत गाने आदि दे, पशुता वाले, तो उससे चित्त में क्या आहार दे दिया, मलिन आहार दिया है। वैसे ही त्वचा के द्वारा संतों के चरणों का स्पर्श करें, या विषयी भाव से जो है वो दूसरों पर दृष्टिपात करें या उनका स्पर्श करें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो गए ना। तो जिसने क्या किया है, स्पर्श किया है, इनका स्पर्श किया है संतों के चरणों का, तो उससे क्या मिला है, विवेक भक्ति वैराग्य, उससे क्या होगा, चित्त में क्या आहार दिया है, सात्विक आहार दिया है, तो वही आएगा। और यदि तामसी का आहार दिया है तो क्या आएगा, तो वैसे ही तमोगुण एकत्रित होगा चित्त में। तो ज्ञानेन्द्रिया पीछे बताया था ना, यही मनोमय अग्नि के लिए क्या बताया था, कि ये पांच होता विषय रूपी धृत की आहुति डालते हैं, और ये मनोमय अग्नि प्रचंडता को प्राप्त होता है, बताया था ना, वैसे ही है। तो रजोगुण तमोगुण के द्वारा मलिनता को प्राप्त हो करके यह मन ही आपके बंधन का हेतु, और यही मन जब
इसमें रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो जाते हैं और सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है, सत्वगुण बढ़ता है। संगति है, सदग्रंथ और सदविचार और सत्कर्म, इनके द्वारा क्या होता है, जब सत्वगुण बढ़ता है, है? यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, गीता जी में आया ना, खूब अच्छे से विचार किया गया है इन गुणों का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बड़ा सुंदर विचार किया गया है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब उत्थान जायते ज्ञानम उत्तमम, क्या होता है, उत्थान की हो जाता है, हाँ उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब रजोगुण की अभिवृद्धि होती है तब उत्थान रुक जाता है, हाँ तब जो है वो क्रिया में प्रवृत्त हो, क्रिया कि भाई कर ले संग्रह, दौड़ भाग इकट्ठा कर। और तमोगुण के प्रवृद्ध होने पर ये तो क्या है, पतन हो जाता है, मलिन आचरण है। तो और इसमें ही दूसरे का अहित, दूसरे को कष्ट पहुंचाने का भाव आता है। ये कब होता है, जब तमोगुण, तो देख लीजिए, तो रजोगुण और तमोगुण से रहित जब चित्त हो गया, सत्वगुण की अभिवृद्धि है, तब क्या होता है, विवेक, तब वैराग्य, तब विचार, तब जप, तब ध्यान, तब चिंतन, तब सत्संग श्रवण, तब मनन, तभी होता है जब सत्वगुण की अभिवृद्धि। रजोगुण वाला तो बैठना ही मुश्किल है, रजोगुण वाले का तो क्या होगा, निरंतर चंचल रहे, निरंतर क्या बना रहता है, चित्त वृत्ति इंद्रिया चंचल बनी रहती। और तमोगुण वाला तो बाकी जगह नींद आवे ना आवे, हैं हैं सत्संग में जरूर आ जाएगी, क्यों, वो जो तमोगुण है वो कहता है भाई गड़बड़ जगह आ गया तू, तेरी जगह नहीं है, हाँ तो उसको क्या करता है, चित्त को दबा देता है, तो तमसा छन्न होकर के समाधि में पहुंच जाता है, हैं अविद्या समाधि, कैसी समाधि है वो, अविद्या है, ऐसी बात समझ आया, मन ही कारण हुआ है बंधन और मोक्ष में। तो जो मलिन मन है वो बंधन में हेतु है, और जो सात्विक मन है वो क्या है, मोक्ष का हेतु। इसलिए साधक को प्रयत्न करके अपने चित्त को क्या करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा, क्या निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा, तो यूँ निरर्थक नहीं समझना चाहिए, मंत्र जाप आदि को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भगति पंचम भजन सुवेद प्रकाश, क्या बदलाया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र का जाप करने से क्या होते हैं, सारे मैल सारे पाप गलित हो जाते हैं। नाम ही हरि रख दिया, हरि रख दिया, हर रख दिया, तो उसका मतलब क्या है, हरति पापानी इति हरि, हरि किस लिए, हरति पापाद इति हर, जो पापों का हरण करे उसका नाम ही हरि है, उसी का नाम हर है ना, तो ये सब नाम ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए जो पवित्र नाम है उनका क्या करना चाहिए, हैं उनका जप करना चाहिए। जैसे नाम लिया रावण का तो कौन खड़ा हो गया, अहंकार की मलिनता की राग द्वेष की छल कपट की मूर्ति खड़ी हो गई, नहीं हुई। और नाम लिया राम का तो सरलता की विनम्रता की है मर्यादा की करुणा की प्रेम की मूर्ति सामने खड़ी हो गई, नहीं हो गई, नाम का स्मरण करने से नहीं हो गया। अब जैसा स्मरण होगा वैसी चित्त में संस्कार अंकित और संचित होंगे, नाम का महत्व हुआ नहीं हुआ, क्या नाम में क्या रखा है,
क्या बोलते हैं, फिर नाम रख देते हैं, क्या है, सच्चिदानंद। तो नाम से ही क्या है, जो नाम में ही एक असत है, एक जड़ है और दुख रूप है, और दूसरा क्या है, सतचित आनंद रूप है। तो पहले ही अपने आप को क्या मानता है, शरीर मानता है, लेकिन अब जब नाम सुना क्या है, तू सच्चिदानंद, शरीर नहीं है, अनात्मा नहीं है, दृश्य नहीं है, सब तू नहीं है, तू क्या है, सच्चिदानंद आत्मा है, ब्रह्म। तो नाम का स्मरण करते 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 क्या होता है, नामी का अपरोक्ष हो जाता है, क्या होता है, नामी का। तो मंत्र जाप आदि निष्फल नहीं, और आरंभ में तो मन को रोकने के लिए और मलिनता से और जगत से हटाने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ आधार चाहिए। अब उसको आते बता दिया है क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल साक्षी बने रहो। है? जिसने बेचारे ने राग करना सीखा है, चिपकना सीखा है, पकड़ना सीखा है, उसको क्या कह दे कि कुछ नहीं करना है, केवल साक्षी बने रहो, वो संभव है उसके लिए, संभव नहीं। इसलिए उसको पहले पकड़ा देते आधार, क्या आधार पकड़ा दिया, एक भलाई की सेवा कर, क्या है, सेवा होगी। पहले क्या थी वो, कहती पहले भी तो गाय पीछे पीछे ही चरा, मैं गाय तो चराई, पर कह वो सेवा नहीं थी, उसमें क्या जुड़ा हुआ था, निहित तो स्वार्थ जुड़ा हुआ। अब क्या हो जाती है, वो सेवा हो जाती है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ क्या पकड़ा देते हैं, मंत्र पकड़ा देते हैं, क्या पकड़ा देते हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ ध्यान करने के लिए आलंबन पकड़ा देते हैं कि ज्योति का ध्यान करो, जिससे कि चित्त अभी पकड़ने की आदत है ना, तो वहाँ से पकड़ के कहीं को पकड़ लें, और फिर सब छूट जाएगा, फिर सब कुछ जो पकड़ा हुआ था छूट जाता है, तो फिर क्या रह जाता है, जो पकड़ने वाला और छोड़ने वाला वही रह जाता है, हाँ, और इनसे परे जो आत्मा, तो ये प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो अपने चित्त को रजोगुण तमोगुण से रहित करने के लिए क्या करना है, शास्त्रों के अनुशीलन और सज्जनों की संगति और जप आदि का क्या करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। और जाप करने से मलिनता तो होती है, स्थायित्व भी आता है, धैर्य भी आता है, ठहराव भी आता है, फिर ध्यान करने से और ज़्यादा आ जाता है, और ज्ञान सुनने से फिर क्या है, ये विलय को प्राप्त हो जाता है मन, ज्ञान सुनने से क्या होगा, लेकिन कौन सा मन, जो मन वासना रहित तो हो गया और जो मन शांत, वासना रहित और जो मन क्या हो गया, निरुद्ध हो गया है, वही विलय को प्राप्त हो जाता है, वही क्या हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, समझ आया। चलो जी आगे देख लीजिए, आगे बतलाते हैं क्या, आगे यही बतला रहे हैं जो बताया जा रहा है। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यमग्रे। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, शुद्धत्वं शुद्धत्वं आसाद्य आसाद्य मनः मनः विमुक्त्यै विमुक्त्यै भवति भवति अतः अतः बुद्धिमतः बुद्धिमतः मुमुक्षोः मुमुक्षोः ताभ्यां ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यम् अग्रे। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्,
विवेक और वैराग्य के, विवेक वैराग्य जो गुण है, इन गुणों के अतिरेकात, जब ये अत्यधिक होते हैं अर्थात तीव्र होते हैं, क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने विवेक वैराग्य कह करके क्या पा ली है? छुट्टी पा ली। क्या पा लिया? जैसे कोई व्यक्ति को मकान बनाना है तो तीन मंजिल बना हुआ है तो कहते चौथी मंजिल पर बनाना है तो कहते क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है, दीवार खड़ी कर और ऊपर छत लगा दे तो बन गया। लेकिन मकान यदि भूमि पर बनाना हो तो फिर तो क्या करना पड़ेगा? हैं, ज़्यादा काम है ना, वो खोदना भी है, नीचे से मजबूत भी करना है, हैं, कितना ही कार्य हो जाता है, डबल खर्चा होता है। लोग कहते हैं जी नीचे तल पर मकान बनाना हो और ऊपर बनाना हो तो दोनों में भेद कितना है? तो डबल खर्चा पड़ जाता है नीचे बनाने का। तो वैसे ही विवेक वैराग्य कह दिया है, लेकिन विवेक वैराग्य की जो छत है ये भी क्या है? ये भी एक छत है, लेकिन ये छत किस पर टिकी हुई है? ये छत इस पर टिकी हुई है, तो ये छत टिकी हुई है विचार, सत्संगति है और धैर्य, संतोष आदि जो ये सद्गुण है ना, इनके ऊपर क्या टिकी हुई है? विवेक वैराग्य का छत ठहरी हुई, क्या ठहरी हुई है? तो विवेक वैराग्य जो ये गुण है, इन गुणों के अतिरेकात, जब अतिरेक हो अर्थात अत्यधिक हो जाए चित्त में, चित्त में विवेक वैराग्य हिलोरे ले, क्या हो? विवेक वैराग्य का बिल्कुल ज्वार आया हुआ हो चित्त में, वैराग्यवान को कुछ नहीं सूझता। जो वैराग्यवान होता है वो संसार में कहीं भी न तो लालसा करता है न चिपकता है, इसलिए वैराग्यवान को तो सबसे परम सौभाग्यशाली का। पर ये वैराग्यवान होना इतना सहज कार्य भी नहीं है, इतना सहज कार्य नहीं, अत्यंत विचार हो, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि, अत्यंत जो है पवित्र आचरण, पवित्र विचार हो गए तब जा करके क्या होता है? ये विवेक वैराग्य का अतिरेक होता है। पीछे भी बतलाया था ना क्या, कि यदि वैराग्य और मुमुक्षुता यदि मंद है तो तब ये फलदायी नहीं होते, और वैराग्यस्य मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्यैवार्थवन्तः शु फलवन्तः शमादय। वैराग्य और मुमुक्षुता जिसमें क्या हो? तीव्र हो, क्या हो? तीव्र, तो उसमें ही क्या होते हैं? ये वही फलदायी होते, समदम आदि उसके चित्त में ही क्या बनते? फलदायी होते, अर्थवान होते। वो जिसमें वैराग्य और मुमुक्षुता, मंदम यस्य तु विद्यते मरौ सलिलवत् तत्र शमादेराभास मात्रता। वैराग्य और मुमुक्षुता जिसमें मंद है, आपसे कोई पूछे कि वैराग्य है या मुमुक्षुता है या नहीं है, और आप क्या कहेंगे? है, तो आप गलत नहीं कह रहे, आप क्या कह रहे? सही कह रहे, लेकिन है जरूर मंद है। क्या है? मंद है, मंद।
तीव्रम यश्च तु विद्यते, लेकिन जिसमें तीव्र है तो उसके लिए ये फलदायी हो जाता। फलदायी क्या है? विवेक वैराग्य आदि का या तीव्र मुमुक्षुता का फल क्या है? श्रवण, और किया हुआ श्रवण मनन रूप हो जाए, और किया हुआ मनन निधिध्यासन रूपता को प्राप्त हो जाए, और जो निधिध्यासन है वो आत्मानुभव में क्या हो जाए? परिणत। श्रवण मनन बन जाए, क्या श्रवण क्या बन जाए? मनन बन गया, और मनन क्या बन गया? निधिध्यासन बन गया, और निधिध्यासन क्या बन गया? आत्मानुभव। ये प्रक्रिया है। और श्रवण श्रवण ही रहा, श्रवण क्या रहा? श्रवण ही रह गया, कह रहे तो बदला ही नहीं भाई, समय के साथ क्या है? बदला नहीं, श्रवण ही रह गया। मनन, आप जैसे कोई बालक लंबाई ना बढ़े, कह ये तो उतना का उतना ही रह गया, क्या बोलते हैं? हाँ, कह तो वामन भगवान है, छोटा ही रह गया, समय के साथ ना बढ़े। तो वैसे ही आपका जो श्रवण है वो श्रवण ही रह जाए, मनन ना हो तो क्या हुआ? विकास रुक गया। और आपका जो मनन है वो निधिध्यासन नहीं बना, क्या नहीं बना? निधिध्यासन नहीं बना, तो भी काम कैसे सिद्ध हो? और आपका जो निधिध्यासन है वो आत्मानुभव को तो बन ही बनता है, बनता ही बनता है। जो निधिध्यासन रूपता को प्राप्त हो गया तो फिर क्या हो जाता है? वो आत्मा के अपरोक्ष अनुभव में समर्थ होता ही होता है, इसमें संशय संदेह नहीं। समझ आया? तो देखिए, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, विवेक वैराग्य की जिसके चित्त में अधिकता है तो उसके कारण से शुद्धत्वम आसाद्य, शुद्धता को प्राप्त हो करके आपका मन विमुक्त्यै भवति, क्या होता है? मुक्ति के लिए तत्पर हो जाता है, मुक्ति के लिए हो जाता है वह मन, जो बंधन के लिए था क्या हो जाता है? मुक्ति के लिए। कौन सा मन? विवेक वैराग्य की अधिकता के द्वारा वैराग्य की अग्नि में सब भस्म हो जाता है, क्या? सारा राग, सारा द्वेष, सारी ईर्ष्या, सारे छल कपट, सब का सब, जो भी दृश्य वस्तु में आस्था बुद्धि है, प्रीति है, सब का सब क्या हो जाता है? वैराग्य की अग्नि में भस्म हो जाता है। पहले क्या अग्नि प्रकट होवे? विचार की अग्नि, उसके द्वारा क्या होती है? वैराग्य की अग्नि, और उस वैराग्य की अग्नि के द्वारा ज्ञान की अग्नि, और उस ज्ञान की अग्नि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। तो ज्ञान अग्नि ऐसे प्रकट होगी क्या? है विचार अग्नि, विचार की चिंगारी, क्या हुई? विचार की चिंगारी, और वैराग्य की अग्नि, क्या? वैराग्य की अग्नि, और वही अग्नि क्या होती है? फिर ज्ञान अग्नि बन जाती है, क्या बन जाती है? ज्ञान अग्नि। और फिर उस ज्ञान अग्नि में समस्त कर्म भर्म अनात्म प्रपंच जल करके भस्म हो जाता है, और जो अधिष्ठान साक्षी सच्चिदानंद ब्रह्म में शेष रहता है। इसलिए पहले क्या हो? विचार का चिंगारी, क्या हो? विचार की चिंगारी, वैराग्य की अग्नि परम आवश्यक।
क्या? वैराग्य की अग्नि ही सब कुछ जलाती है। अब सीधे कह महाराज हमें ज्ञान की अग्नि दे दो, क्या दो? ज्ञान की अग्नि। वैराग्य की अग्नि जलाए बिना क्या मिल जाए? हाँ ऐसा भी मिलती है, ऐसे मिलती है, नहीं मिलती है, हाँ ऐसे भी मिलती है। बताए थे ना एक दिन, नाम भी बताया था, वैराग्य की जरूरत नहीं। तो क्या है, वैराग्य की अग्नि के बिना ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं। वैराग्य अग्नि अधिक आवश्यक, जो सारे के सारे अनात्म प्रपंच को भस्म कर दे। अनात्म प्रपंच में जो राग है, अनात्म प्रपंच में जो राग है उसको कौन भस्म करेगा? वैराग्य। और अनात्म प्रपंच की जो सत्ता है उसको कौन भस्म करेगी? ज्ञान। सत्ता समझ आया? हाँ। अनात्मा में जो राग है वो किसने भस्म कर दिया? वैराग्य। और अनात्म दृश्य प्रपंच की जो सत्ता है इसको कौन भस्म करेगा? ज्ञान अग्नि। की ये सारा का सारा मिथ्या। आत्मा चेतन सच्चिदानंद यही सत्य है, वह तू। तो ये क्या हो गई? ये अग्नियाँ हो, अग्नि जैसे, अग्नि के बिना तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना, हैं? कैसे भोजन बनेगा? यदि एक दो दिन सूर्य देव की किरणें पृथ्वी पर ना पड़े तो सब और दुर्गंध मलिनता, हैं? सब और क्या हो जाता है ना? अग्नि क्या कर देती है? शुद्ध कर देती है सारे की सारी मलिनता को, कीटाणु विषाणु जीवाणु सब क्या कर देती है? शुद्ध कर देती है, जला। यज्ञ आदि करते हैं, हैं? जैसे हमारे चंद्रकांत जी करते हैं ना, तो जब यज्ञ की आहुति सामग्री आहुति डाली जाती है तो सबकी सब दुर्गंध, सबकी सब जो विषैले जो जीवाणु हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए और हर प्रकार से अहितकर है, वो सब के सब क्या हो जाते? भस्म हो जाते। इसीलिए सब जगह क्या करते हैं, फिर उसको घुमाया जाता है कि धुनी देनी चाहिए। नाथों में भी दिया जाता है ना, है? नाथ लोग भी देते हैं, जो ले करके सब जगह घुमाते हैं जिससे कि शुद्ध हो अग्नि। तो वैसे ही यहाँ पर बतलाया है, विवेक वैराग्य की अधिकता से जो मन शुद्धता को प्राप्त हो गया है, इसके द्वारा विवेक वैराग्य की अधिकता क्या होनी चाहिए? अधिक। तो ये जो मन है ये विमुक्ति भवती, मुक्ति के लिए हो जाता है, शुद्ध होकर मुक्ति के लिए हो जाता है। अतः बुद्धिमतः मुमुक्षु, इसलिए मुमुक्षु को, इसलिए मुमुक्षु भी कैसा? जो बुद्धिमान है, जो क्या है? बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धिमान मुमुक्षु को ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम अग्रे, अग्रे माने पहले, प्रथम, पहले क्या करें? बुद्धिमान मुमुक्षु को ताभ्याम, उन दोनों को, इन दोनों को, विवेक वैराग्य को दृढ़ाभ्याम भवितव्यम, क्या करना चाहिए? अत्यंत दृढ़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विवेक वैराग्य को क्या करना चाहिए? दृढ़ करना चाहिए, दृढ़ता को प्राप्त। समझ आया? अग्रे प्रथम, ज्ञान श्रवण से पहले, आत्मचिंतन से पहले क्या करना चाहिए? विवेक वैराग्य को ही पुष्ट करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। बारंबार बोलते रहते हैं ना,
क्या बोलते रहते हैं कि आप ज्ञान श्रवण करते हो, आत्मा का चिंतन करते हो, आत्मा की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन हम बारंबार आपको क्या कहते हैं कि इसके लिए प्रथम आप अपने विवेक और वैराग्य को क्या करो, दृढ़ करो, तीव्र करो, स्थिर करो। क्या करो? विवेक वैराग्य को ही दृढ़ करना चाहिए। आपका विवेक वैराग्य प्रबल होगा, क्या होगा? जब प्रबल होगा ना, तब आप बैठेंगे नहीं जब तक सत्य का क्या कुछ अनुभव ना होने लग जाए, कुछ रस ना मिलने लग जाए, तब तक आप बैठेंगे नहीं, शांति से नहीं बैठेंगे और प्रपंच में नहीं उलझेंगे, प्रपंच को नहीं फैलाएंगे, जगत के पसारे में संसारियों की तरह है क्या नहीं डूबेंगे। साधक की बात है, बुद्धिमान मुमुक्षु। अब बुद्धिमान तो हम किसको समझते हैं? कहते वो बड़ा बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? कह जी उसने ऐसे प्रतिष्ठा बना ली, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? कि जी उसने ऐसे बड़े पद को प्राप्त कर लिया। बुद्धिमान नहीं, ये सब के सब तो नाशवान ही, ये सब के सब क्या है? नाशवान। बुद्धिमान कौन है? जो विवेक वैराग्य को बढ़ाए। बुद्धिमान कौन हुआ? विवेक वैराग्य की संपत्ति जिसने अर्जित की और उसको सहेज करके अपने हृदय में जिसने रखा हुआ, वह बुद्धिमान। वह क्या है? बुद्धिमान है। लेकिन अनेकों बार साधकों को ये भ्रम हो जाता है। संसारियों को तो भ्रम रहता है, ये निरंतर ही रहता है। संसारियों को तो भ्रम निरंतर ही रहता है कि जो संसार में अधिक प्रतिष्ठित है वो सुखी है या वही सार है। लेकिन कभी कभी साधकों को भी ऐसा भ्रम हो जाता है। वो क्या समझते हैं कि संसार में जो उपलब्धि है, जो प्रतिष्ठा है, जो प्रशंसा है, यही भाई बड़ी सुंदर चीज है, सौभाग्य से मिलती है, जिसके पास है वो सौभाग्यशाली। ऐसा भ्रम सोबरी ऋषि को हो गया। क्या हुआ इसको? हो गया अनेकों को हो जाता है, सोबरी ऋषि को हुआ। तो ये यही तो अपने विवेक वैराग्य की रक्षा करनी है। क्या करना है? रक्षा करनी है। मैदान में जब आप आएंगे हैं, तब आप समझेंगे कि विवेक वैराग्य जो लगता है कि ठहरा हुआ है हृदय में, लेकिन जब आप सब कुछ परित्यक्त करके इधर बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि विवेक वैराग्य की क्या करनी पड़ती है? रक्षा की जाए। हाँ, जब वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, जब अधिकता को प्राप्त हो जाए विवेक वैराग्य, तो उसके पश्चात रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो विवेक वैराग्य जो है मुमुक्षु को, बुद्धिमान मुमुक्षु, इसको कह रहे हैं बुद्धिमान मुमुक्षु को विवेक वैराग्य को ही प्रथम दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा, विवेक वैराग्य के द्वारा शुद्धता को प्राप्त हुआ हुआ मन ही मोक्षस्य या विमुक्त्यै भवति, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। समझ आया क्या? ऐसा जो मन हो गया है जिसमें कोई राग नहीं है,
जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विषय सेवन या चिंतन का संस्कार नहीं, उनमें सुख बुद्धि, सार बुद्धि, सत्य बुद्धि नहीं। ऐसा जो वैराग्य संपन्न चित्त है वो निसंक और संशय रहित हो करके निरंतर क्या करता है, केवल आत्मचिंतन, क्या करता है, केवल आत्मचिंतन करता है। और आत्मचिंतन करते 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 क्या होता है, आत्मानुभूति से युक्त हो जाता है। क्या होता है, आत्मानुभूति से संपन्न होता है। ठीक है, समझ आ गया, स्पष्ट हो गया, आगे वाला भी बता दिया जाए। आगे वाला कैसे बताएं, आगे वाले के लिए तो समय नहीं बचा है, लेकिन इसको ही स्पष्ट से समझ लेना चाहिए, स्पष्टता से। मनोमय कोष रूप, ये जो मन है, कहते हैं बड़ा ही प्रबल है, यही बंधन और मोक्ष में हेतु है। यदि ये शुद्ध होवे तो मुक्ति का हेतु बनता है, और ये मलिन होता है तो यही क्या बनता है, इस पूर्ण पुरुष में बंधन को अनुभव करा देता है, उसको बांध देता है विषयों का राग करके। इसलिए साधक को कितनी सुंदर बात, स्पष्ट आदेश है। क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे, स्पष्ट उपदेश ही आदेश होता है। क्या उपदेश जो आता है ना उपनिषदों में, है अर्थात आदेश, ऐसे करके आता है, आदेश इति आदेश, ये आदेश, ये उपदेश, ये क्या है, यही उपदेश है, और उपदेश ही आदेश है। तो क्या आदेश दिया है, कि विवेक वैराग्य को क्या करना चाहिए, बुद्धिमान मुमुक्षु को विवेक वैराग्य को ही दृढ़ करना चाहिए। वैराग्य तो इतना सुंदर है कि वैराग्य रूपी संपदा जिसके पास है उसके सामने तो इंद्र भी, इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृप कीट कहा। क्या बोला है, इंद्रोपि रंकवत भाति, उसके सम्मुख तो इंद्र भी क्या है, भिखारी की तरह। का कथा नृप कीट कहा, इन राजा रूपी कीड़ों की तो है? इन राजा रूपी कीट पतंगों की तो बात ही क्या है, उसके सामने तो इंद्र भी लंक के समान। इसका ऊपर की पंक्ति ध्यान नहीं आ रही है, इंद्रो विरंकवत भाति का कथा नृप कीट। स्मरण नहीं आता, बोल बहुत समय हो जाता है ना, है क्योंकि विद्यार्थी अब दो समझो है ना, अपने ऊपर नहीं रखते, दो जो है ना हम किसको ऊपर डाल देते हैं, विद्यार्थी को ऊपर डाल देते हैं, अपने ऊपर क्यों रखते हैं, क्यों जी, वो रखते किसी के ऊपर नहीं है, उसको हम फेंक देते हैं, क्या करते हैं, ना आपके ऊपर रखते ना अपने ऊपर रखते, क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, तुम क्या दोष रखना। वैसे ही मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे जो ब्रह्म वेत्ता है, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी है, वैराग्य की संपत्ति से जो संपदावान है, उनके सामने तो इंद्र रंक है, पूरे राजा बाजा तो कीड़े मकोड़े, लेकिन ऐसा निर्मल और विशुद्ध वैराग्य
किसी अत्यंत विचारवान, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि संपन्न, अत्यंत संयमी और तपस्वी और अनेकों जन्मों का की जो साधना और पुण्य के फल स्वरूप ये वैराग्य रूपी संपदा उपलब्ध हो, और जिसको वैराग्य रूपी ये संपदा प्राप्त हो गई, पूरा योग वशिष्ठ सुनाएंगे वशिष्ठ जी महाराज, और कहेंगे राम जी जैसे तैसे कैसे भी करके वैराग्य हो गए। क्या कहेंगे सारा सुनाने के बाद? राम जी जैसे तैसे कैसे भी करके क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए, यही शोभा। यही क्या है? यही शोभा है। साधक समझते हैं और संसारी संसार की उपलब्धि को सौभाग्य समझते हैं, संसार की प्राप्ति को सौभाग्य समझते हैं, और साधक वैराग्य की प्राप्ति को सौभाग्य समझते हैं, और ज्ञानी अपने आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करके क्या होते हैं? ब्रह्म रूप हो जाते। उसमें सौभाग्यता दुर्भाग्यता है ही नहीं, क्योंकि सौभाग्य दुर्भाग्य आदि ये सब चित्त की अवस्था है, तो उसमें सौभाग्यता और दुर्भाग्यता नहीं बनेगी। वो क्या होता है? ब्रह्म रूप, अपनी आत्मा का दर्शन प्राप्त करके, अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर ब्रह्म रूप हो जाता है। तो समझ आया? ये वास्तविकता है, बाकी का विचार जो है हम लोग कल करेंगे। कितने बार बताया हुआ तो है, नहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर लेती हूँ।